सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रियांशु गोयल और मैं हूँ एक मैजिशियन। तो यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको विजुअल मैजिक ट्रिक पसंद है? मतलब जैसे कि मैजिशियन स्टेज पर आया, उसने अपने हाथ में कॉइन लिया और उसको वैनिश कर दिया, या फिर मैजिशियन ने अपने कपड़ों का कलर चेंज कर दिया। तो कितने लोगों को एक ऐसी ट्रिक पसंद आएगी? राइट, ऑलमोस्ट सबको एक ऐसी ट्रिक पसंद आएगी, पर ऐसी ट्रिक मुझे नहीं आती। इंस्टेड मैं एक मेंटलिस्ट हूँ और आज यहाँ माइंड रीडिंग ट्राई करने वाला हूँ। मतलब मैं आपका दिमाग का थॉट पढ़ने की कोशिश करूंगा, और क्योंकि मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, मैंने अपना काफी टाइम स्पेंड किया सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करने में। क्योंकि अगर मुझे किसी का माइंड रीड करना है तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि उसका माइंड रिएक्ट कैसे कर रहा है। इसलिए मैं शो की शुरुआत से आप सभी के रिएक्शंस पे फोकस कर रहा हूँ कि कौन किस चीज पे किस तरह रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि एक बार मुझे ये समझ आ गया, देन आपका माइंड रीड करना या इन्फ्लुएंस करना ईजियर हो जाएगा। और ये टेक्निक सिर्फ मैं नहीं बल्कि बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एजेंसीज यूज करते हैं। ये कॉन्स्टेंटली आपको आपके मतलब के एड्स दिखाते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट्स बेच पाए। आपको पता भी नहीं चल रहा ये बिन बताया। आपका नाम क्या है? दृष्टि। अब आपको आइडिया है कि मैं यहाँ पर क्या ट्राई करने वाला हूँ, या वेगली पता है कि मैं मेंटलिज्म करूंगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता है ना। और यही मेरा शो का फेवरेट पार्ट है, मतलब लड़कियों से बात करना नहीं, बट टू कीप पीपल गेसिंग कि आगे क्या होने वाला है। और ये बताने से पहले मैं यहाँ पर एक वॉलेंटियर को बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके फोन पे एक पिन कोड है? राइट, कोई है जिसके फोन पे एक पिन कोड हो, 4 डिजिट 6 डिजिट है आपके फोन पे? ठीक है, एक बार आप स्टेज पर आ जाइए, सब इनके एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। को जगह ही नहीं मिल रही। आप इधर आ जाओ, इधर आ सकते हो। आपका नाम क्या है? स्वरूपा। स्वरूपा, आपके फोन पे कितने 4 या 6 डिजिट का पिन कोड? 4 डिजिट का। परफेक्ट स्वरूपा, मेरे पास भी मेरा फोन है एंड मेरे फोन पे भी एक 4 डिजिट का पिन कोड है। राइट, और मेरा पुराना पिन कोड था 2634, उससे मेरा फोन अनलॉक नहीं होता है। तो स्वरूपा थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये कैसा होगा अगर मेरा फोन आपके पिन कोड से अनलॉक हो जाए? ये कुछ अमेजिंग होगा, है ना? क्योंकि किसी भी तरीके से मुझे उस पिन कोड के बारे में पता तो नहीं चल सकता। नहीं, ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको पिन कोड एंटर करो, अभी ओके मत दबाना, बस एंटर करो, बिना किसी को भी दिखाए अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर करो। ठीक है, अभी ओके मत दबाना, और जब हो जाए मुझे फोन दे देना एक बार। परफेक्ट, अब आपका पिन कोड है, इससे अगर फोन अनलॉक हुआ तो ये कुछ अमेजिंग होगा। ओके, आपने सही पिन कोड डाला है, 100% श्योर? चलो ठीक है, फिर चेंज ऑफ प्लान्स, कुछ और ट्राई करते हैं। मैं अब आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा, मतलब मेरा जो पिन कोड है वो आपको इन्फ्लुएंस करूंगा। मतलब आप कुछ रैंडम नंबर्स बोलोगे और उससे मेरा फोन अनलॉक हो जाएगा। ठीक है स्वरूप, आप मेरा फोन ऐसे नीचे से पकड़ सकते हैं, नीचे से? परफेक्ट, जस्ट लाइक दिस, अभी कुछ प्रेस मत करना। और सबसे पहले एक बार आप, ठीक है, आप एक बार खड़े हो जाओ और मैं आपको एक नंबर मेंटली ट्रांसमिट करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको एक नंबर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा। तो मेरी आंखों में देखो, मैं आप पे कोई मैजिक नहीं कर रहा, मुझे आपकी खूबसूरत आंखों में देखना था नहीं, बट वॉच, 1 से 9 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो जो सबसे आपके सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा है, चुटकी हो जाती है। 7। अब आपको आपका माइंड चेंज करना है। अभी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि उनको अपना माइंड चेंज करना है कि नहीं, तो 90% लोग मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं चाहता हूँ वो अपना माइंड चेंज करे। बट आप इस चीज से इन्फ्लुएंस मत होना, आपको ये नंबर चेंज करना है सिर्फ हाँ या ना बोलो। यस, इसका मतलब जब एक 19 साल का लड़का बातें घुमा फिरा के आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, आप आराम से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। क्योंकि मैं जस्ट अभी कहा कि 90% लोग माइंड चेंज नहीं करते, और इसलिए आप इन्फ्लुएंस होकर अपना माइंड चेंज कर रहे हो। तो मैं आपसे एक फाइनल बात पूछ रहा हूँ कि आपको आपका माइंड चेंज करना है? ठीक है, कोई भी एक नया सिंगल डिजिट नंबर बोलो। 4। स्वरूप, यहाँ पे 4 टाइप कर दो एक बार सबको दिखाते हुए। परफेक्ट, एंड अब एक बार आप सर, आप भी मुझे कोई एक सिंगल डिजिट का नंबर बोलो जो सबसे पहले जो आप में आ रहा है चुटकी बजा से। 6। अब आपको आपका माइंड चेंज करना है। अब हो सकता है ये बात सिर्फ मैंने इसलिए पूछी हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपना माइंड चेंज करो, ठीक है, बट आप इस बात से इन्फ्लुएंस मत होना, आपको ये नंबर चेंज करना है सिर्फ हाँ या ना होगा। नो, इसका मतलब जब एक 19 साल का लड़का बातें घुमा फिरा के आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, आप आराम से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। क्योंकि मैं जस्ट अभी कहा हूँ, हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि आपको अपना माइंड चेंज करना है, और उस बात को सुनकर लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना माइंड चेंज नहीं करना चाहते और इसलिए आप नहीं करते। परफेक्ट, तो आपका नंबर अभी भी चेंज नहीं करना। 6। नंबर 6 भी यहाँ पे टाइप कर दो, और अब मुझे एक आखिरी 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो पीछे से एक बार, पीछे से आप। यस, हाँ, 55। मैं अपना पहले पूरा बोल दूंगा, मुझे इन्फ्लुएंस करना आपको, याद रखो। श्योर श्योर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप कोई भी एक 2 डिजिट नंबर बोलो, बट उसको इवन रखना, जैसे 22, 24, 26, या फिर छोड़ो आपके उनमें जो 2 डिजिट का नंबर आ रहा है आप वो बोलो। अब हो सकता है
ये इवन नंबर वाली बात मैंने सिर्फ इसलिए बोलियो ताकि अब आपकी जान बूझ के ऑड नंबर बोलो, ठीक है? पर आप इन्फ्लुएंस मत, आप कोई भी नंबर बोलो, टू डिजिट इवन या ऑड कोई जो भी, 11 11, इसका मतलब जब एक 19 साल का लड़का बात है आपकी इन्फ्लुएंस नहीं। इस बार मैं ये बात नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने एग्जैक्टली वही नंबर बोला है जो मुझे चाहिए था। स्वरूपा 11 टाइप करो, 1 1, अपना फोन एक बार वापस लेना चाहूंगा और आप सबके सामने ओके दबाऊंगा और मेरा फोन। थैंक यू स्वरूपा, आप वापस जाते हो और एक बार स्वरूपा के लिए जोरदार तालियां। अब सही बताऊं, मैं ना थोड़ा सा मेसअप कर गया। असल में होना क्या था, स्वरूपा के पिन कोड से मेरा फोन खुल जाना चाहिए था बट वो नहीं हुआ। सो उसके कंपनसेशन में मैं आपका पिन कोड गेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? सेकंड स्वरूपा का, ओके, वो ज्यादा एक्साइटेड होगा। स्वरूपा अपने पिन कोड के बारे में सोचो, एंड ये पिन कोड आपने कितने टाइम पहले सेट किया था अपने फोन पे? दो दिन पहले। तो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि दो दिन पहले जब आप सेट कर रहे थे तो मैं आपके कंधे के पीछे झांक तो नहीं रहा था? नहीं, और आज भी आके मैंने आपके साथ कुछ सेटअप नहीं किया कि आप यही नंबर बोल देना, ऐसा कुछ तो नहीं किया। मैं चुपचाप आपके पीछे बैठा होता है ना, ये मेरी पुअर कन्वर्सेशन स्किल्स भी बताता है। बट आप उस नंबर के बारे में सोचो, एंड जो आपका नंबर है उसे मैं इस फाइल पर लिखने की कोशिश करूंगा। बट कोई बात नहीं, आप सोचो पिन कोड के बारे में सोचो। एंड ना कुछ रैंडम नंबर्स बोलूंगा, एंड आप मुझे किसी भी जगह स्टॉप बोल देना, 7 8 4 2 9 6 3 3 पे। नहीं, 3 आपके पिन कोड में नहीं है, एक बार इधर देखो, एक बार बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5, बस 5 तक। 1 2 3 4 5, इसके अंदर एक 2 आता है, ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 2 इसका फर्स्ट डिजिट है, यस, ठीक है? मैं ये यहाँ पर लिख दूंगा, एंड एक बार वापस करते हैं, एक बार वापस बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ओके, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मुझे पता है 3 डिजिट्स मिल गए हैं पर एक डिजिट नहीं मिल पा रहा है। इसके अंदर एक डिजिट 0 है, यस यस, ओके। स्वरूपा मैंने, मुझे जो लगता है आपका पिन कोड है उसे यहाँ पर लिख दिया, और अगर मैंने पिन कोड गेस कर लिया वो बहुत इम्पॉसिबल हुआ, परफेक्ट, ठीक है? तो स्वरूपा, और अगर मैं इस पिन कोड के आस पास भी हुआ, मतलब मेरे 1-2 डिजिट्स नहीं भी मैच करे तो भी ये ट्रिक अच्छी होगी, परफेक्ट। तो स्वरूपा मैं पेन रख देता हूँ, पहली बार अपना पिन कोड बोलो, 2407। ओके ठीक है, इस बार मैं आसपास नहीं था क्योंकि इस बार मैं एग्जैक्टली सही था। मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है tgoyal_52, उस पर मेरे 432 फॉलोअर्स हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो tgoyal_52 अभी आप इंस्टाग्राम निकाल के फॉलो कर सकते हो, मैं जाऊंगा नहीं तब तक से। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।